बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, हम भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप देख रहे हो ना यूट्यूब चैनल बिना स्ट्रॉन्ग। तो सबसे पहले चैनल पर नए आने वाले व्यूअर्स सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें, आल का बटन दबा दें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। लाइक करें, शेयर किया करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आड़ू का जूस बनाना आपको सिखाऊंगी बहुत आसान तरीके से। तो जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ, बहुत आसान चीज़ें हैं। जूस के लिए आड़ू मेरे पास है, तकरीबन 10 से 12 आड़ू है। बर्फ़ है मेरे पास, चीनी एक कप है, ये प्याली है, और पानी है कुछ एक से डेढ़ ग्लास के करीब है। तो ये आड़ू मैंने अच्छी तरह वाश कर लिए, धो लिए। लेमन है, आपकी मर्जी है, अगर आपने लेमन डालना है इसके अंदर तो डाल लें, मैंने रखे हैं। बस अब आड़ू को मैंने काट लिया है, व्यूअर्स आड़ू को मैंने पीसेस में काट लिया है, देखें अच्छी तरीके से। अब मैं इसके अंदर जग में डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाथ मेरे बिल्कुल साफ है, धोए हुए हैं। बहुत आसान तरीके से बनता है ये जूस, फ्रेश फ्रूट है तो ये कब्ज कुशा भी है। जिन बच्चों को या बड़ों को कब्ज है वो भी ये बना के जूस इसका पिए, वैसे भी खा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तकरीबन आधी प्याली में ये डालूंगी चीनी की, इसके अंदर बर्फ जाएगी, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। सिंपल बनेगा ये बहुत मज़ेदार सा आड़ू का जूस। आप लोग आड़ू ऐसे नहीं दिल करता तो ऐसे जूस बना के बच्चों को भी दे, खुद भी पी, और अपने बड़े बुजुर्गों को भी घर में बना के दें। थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर दूंगी, देखें अब इसके अंदर बर्फ डाल दी है मैंने, चीनी डाल दी है, थोड़ा सा पानी डाला है तकरीबन आधा ग्लास, और आड़ू डाल दिए। अब मैं ब्लेंडर को चला दूंगी। ये देखिए मिक्स हो रहा है अच्छे से। मैंने जूस को ब्लेंड कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ग्लास में डाल के दिखा रही हूँ, ये देखें माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलर भी आया इसका। इसके अंदर आप चाहे तो लेमन के ड्रॉप्स थोड़े से ज्यादा डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर आपने टेस्ट आपको अच्छा लगता है तो इसके बीज मैंने निकाल दिए हैं, ये इसके बीज मैंने निकाल दी हल्का सा। हम इसके अंदर लेमन का टेस्ट जाएगा तो छिड़क देते हैं, सिर्फ आधा मैं इसका पीस इसके अंदर डालूंगी, ज्यादा नहीं। तो व्यूवर्स, आज मैंने आपको आड़ू का जूस बनाना सिखाया है, बहुत ही मजेदार और ठंडा ठंडा सा जूस है, टेस्टी बनेगा। तो आपने जरूर बनाना है, अपने बच्चों को, बड़ों को, सबको बना के देना है आपने। तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि कैसी आज की रेसिपी बनी है। तो दुआओं में याद रखिए, अल्लाह पाक सबको खुश रखे। तो इंशाल्लाह नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी, तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।